हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चार संप्रदाय वैष्णव समाज के सामूहिक विवाह में 21 जोड़े बने हम सफर। मंत्रोच्चार के बीच एक साथ सभी जोड़ों ने निभाई शादी की रस्म। चार संप्रदाय वैष्णव समाज सामूहिक विवाह समिति गौड़वाड़ की ओर से समाज के सातवें सामूहिक विवाह में शुक्रवार को प्राचीन तीर्थ स्थल श्री लिंबेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महंत श्री लक्ष्मण दास महाराज नृसिंह द्वारा सेवंतरी की पावन निश्रा में 21 नव युगलों ने वैदिक मंत्रोच्चार उच्चारण के बीच अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे एवं जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। जबरी मंडप के प्रवेश द्वार पर दुल्हन परिवार की महिलाओं ने मारवाड़ी गीतों के साथ तिलक आरती करते हुए विवाह की रस्में पूरे की। विवाह समिति के अध्यक्ष पुखराज तिलावत आगड़ी की अध्यक्षता में नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में राधा कृष्ण वैष्णव डोरडा जालौर, विशेष अतिथि कालूदास वैष्णव जोधपुर, भावरलाल डेंडा, रतन दास वैष्णव बैंगलोर, जसवंत दास वैष्णव खिनवादी, राजेंद्र वैष्णव बाली के साथ बड़ी संख्या में समाज बंधु नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। आयोजन में दिखा अनुशासन। चार संप्रदाय वैष्णव समाज के सामूहिक विवाह समारोह में संस्कारों की गरिमा के साथ विभिन्न व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सामूहिक विवाह समिति की ओर से प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जो बारातियों धरातियों के साथ आयोजनकर्ताओं ने लगा रखे थे। विवाह स्थल पर सुबह सभी बारातों के पहुंचने पर दूल्हे दुल्हन के सगे संबंधियों ने एक दूसरे के गले मिलकर आपस में फूल मालाओं के साथ रंग गुलाल डालकर मिलनी की। वहीं सभी दुल्हनों ने एक साथ तलवारों के तोरण मार कर तो भुआओं में भुआ आरती के साथ दूल्हे की सास ने दुल्हों के कुमकुम से तिलक कर वदावदने किए। पुष्प वर्षा के साथ बारातियों का हुआ स्वागत। विवाह स्थल पर सुबह सभी बारातों के पहुंचने पर सामूहिक विवाह समिति के सदस्यों एवं समाज बंधुओं ने फूल बरसा कर सभी समाज बंधुओं को जोरदार उत्साह के साथ स्वागत किया। इसके बाद सभी दुल्हा दुल्हनों की सामूहिक बंदोली बैंड बाजों व ढोल थाली के साथ गाजो बाजों के साथ निकली गई। बंदोली में सभी बाराती धरातियों के साथ युवक युवतियां मस्ती में नाचते गाते हुए करीब 7 बजे तोरण द्वारा पर पहुंचे। विवाह स्थल पर दुल्हन परिवार की महिलाएं राजस्थानी लोकगीत गाते हुए सभी दुल्हनों का स्वागत किया। उसके बाद पौराणिक परम्परा व हिंदू संस्कृति के साथ शादी की रस्में निभाते हुए अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर एक दूसरे ने जीवन भर साथ निभाने की सौगंध खाई। विदाई के दौरान छलके आंसू। विवाह समारोह के दौरान शाम 4 बजे करीब दुल्हनों को विदाई देते समय उपस्थित समाज बंधुओं के साथ उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी बेटियों को खुशी खुशी विदा किया। विवाह स्थल पर बारातियों के साथ अन्य नागरिकों के लिए जगह जगह पर शीतल पेयजल, विश्राम के लिए छाया, भोजन प्रसादी सहित अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया। विवाह समारोह पूरी तरह से नशा मुक्त रखा गया। साथ ही कार्यक्रम में समाज बंधुओं सहित समारोह में शरीक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विवाह स्थल पर जगह जगह नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विवाह एक नहीं जिम्मेदारी, नव दंपति को जिसे निभाना है सहित समाज के बैनर तथा प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह में उपस्थित सभी समाज बंधुओं को एक साथ संत महात्माओं की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प दिलाया गया। भामाशाह के साथ अतिथियों का हुआ बहुमान। विवाह समारोह के दौरान आयोजित स्वागत समारोह में भामाशाह के साथ अतिथियों का आयोजन कमेटी की ओर से कुमकुम से तिलक कर श्री फल देकर राजस्थानी परंपरा के अनुसार चुनरी साफा पहनाकर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पुखराज मोरखा, घनश्याम खांगड़ी, नरपत सुमेरपुर, दुर्गा प्रसाद चाचोड़ी, कपूरदास राणी, कैलाश भैंसवाड़ा, सोहन दास मिर्गेश्वर, बद्री प्रसाद लापोत, निरंजन वैष्णव बेडल, रामदास सिंद्रू, तुलसीदास जालौर, हितेश रामावत पाली, चंपालाल डिंगी, घीसुदास किरवा, प्रवीण वैष्णव बाली, राजू दास माताजी गुड़ा, ईश्वरदास सुमेरपुर, सुरेश तख्तगढ़, भीकमदास तख्तगढ़, कानदास रानी, बद्रीदास रानी गांव, दिनेश देसूरी समाज बंधु सेवा कार्य में सदस्यों के साथ समाज बंधु उपस्थित थे। जागरूक टीवी के सांडे राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।